सूर्य भगवान। सदियों पुराना मंदिर है, अभी प्राचीन काल का दरवाजा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माई न्यू वीडियो। दोस्तों कैसा आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का अपना यह वीडियो दोस्तों रहेगा राजिम का, राजीव लोचन जी भगवान विष्णु जी का मंदिर का। सो फ्रेंड्स, यहाँ का यह मंदिर प्राचीन काल से बना हुआ मंदिर है दोस्तों, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत अट्रैक्टिव है और यहाँ का इतिहास प्यारा है दोस्तों। तो आज का यह व्लॉग दोस्तों यहीं का मंदिर का ही रहेगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि मंदिर में क्या है, कैसा, मतलब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलेगा। और जैसे कि राजीव लोचन मतलब भगवान विष्णु का स्वरूप है, तो उनका एक नया मतलब कुछ अलग अवतार दे है यहाँ पर, तो ये देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, माता कर्मा का भी मंदिर है और ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर जो कि प्राचीन काल में बना हुआ है। और फ्रेंड्स, वहाँ के जो मंदिर में जो चौखट लगे हुए हैं वो प्राचीन काल के मतलब पुराने ज़माने के लकड़ियाँ का है, जो कि आज भी बहुत अच्छे से, और जो कि दोस्तों वहाँ पत्थर से कुरेद कर बना हुआ जो चौखट है ना, उसका बनावट देखिएगा आज सब। तो दोस्तों, और मंदिर का इतिहास भी है जो कि हम बताने में तो बहुत लंबा रहेगा दोस्तों, इस वजह से वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो इस वजह से फ्रेंड्स, हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। चलिए मिलते हैं आके मंदिर में दोस्तों। कॉस्मेटिक आइटम मतलब पूरा दुकान वगैरह, और यहाँ पर भी एक मंदिर है, पुराने जमाने का मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताएं में देखने को मिलेंगे, तो चलते हैं अंदर, आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पूरा दुकानें लगे हुए हैं भगवान के पूरे कॉस्मेटिक आइटम से पूजा सामग्री, देख सकते हैं आप। चलते हैं अंदर, देख सकते गाइस, राजीव लोचन मंदिर। चलिए अंदर इंटर करते हैं। वाह भाई, देख सकते हैं गजब, सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति मंदिर, चाहे माँ कर्मा का मंदिर था, आप घर बैठे माता का दर्शन कर सकते हैं, माता सभी के मनोकामना पूर्ण करें। देख सकते हैं ये बहुत प्राचीन मंदिर है। चलते हैं अंदर इस साइड, देखते हैं क्या है और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखे दोस्तों विष्णु भगवान है, सूर्य भगवान। तो चलते ही सेट और क्या देखने को मिलता है देखते हैं। यहाँ पर भी भगवान दोस्त देख सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, इस साइड भी और मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं गाइस, बहुत प्राचीन काल जमाने का मंदिर है यहाँ पर, न जाने कितने हजार साल पुराने मंदिर है। यहाँ पर देख सकते हैं महादेव जी के रूप, सावन में दोस्तों घर बैठे महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, जय श्री महाकाल। तो चलिए दिखाते हैं और क्या है। यहाँ पर भी मंदिर है दोस्तों, श्री राजीव लोचन माता मंदिर। चलते हैं इस साइड गाइस और क्या देखने को मिलता है देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पर कार्यालय है दोस्तों, और ये 12 अवतार। यहाँ पर भी देखे दोस्तों एक अवतार भगवान जी क्या। तो चलिए गाइस चलते हैं इस ट्रस्ट वालों के, आइए देखो दोस्तों राजीव लोचन मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, इसका झंडा देखो दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक और मंदिर है ये दोस्तों, वो यहाँ पर नाम दिया हुआ है वामन अवतार विष्णु जी का, देख सकते हैं आप, जय श्री विष्णु। देख सकते हैं दोस्तों दरवाजे, क्योंकि प्राचीन काल का दरवाजा है, देख सकते हैं किस प्रकार का है, न जाने कौन सा लग रहा है, सागवान जैसा लग रहा है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है जहाँ श्री बद्री अवतार लिखा हुआ है, वो दर्शन कराते हैं। देख सकते दोस्तों नक्काशी, यहाँ के बहुत विचित्र नक्काशी हुआ है, देख सकते हैं आप घर बैठे, घर बैठे दोस्तों आप दर्शन करिए बद्री अवतार। यहाँ पर देखो गाइस किस प्रकार के पिल्लर हैं, इतना मजबूती से दोस्तों कि प्राचीन काल का अभी भी खड़ा हुआ है मंदिर। यहाँ पर दोस्तों एक विराट अवतार देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी एक नरसिंह अवतार, यहाँ पर है दोस्तों भैरव बाबा जी, भैरव बाबा के दर्शन करें। तो चलिए अंदर चलते हैं निर्गम द्वार, राजीव लोचन के दर्शन करता है साथ। देख सकते हैं गाइस प्राचीन काल के नक्काशी, जो कि बहुत प्यारा बना हुआ है, देख सकते हैं पत्थर से बना हुआ चौखट। Thank you.
कैमरा तो अलाउ नहीं दिखाता आपको, देख सकते हैं जी सुनो जी। अब घर बैठे हैं दर्शन करते हैं, देख सकते हैं इस पिल्लर की इतना जबरदस्त नक्काशी हुआ है। निकल चुके हैं, आप कैसा लगता है बताइए। यहाँ पर दोस्तों एक और हैं कुछ राजा जगतपाल करके, आप देख सकते हैं राजा जगतपाल जी निकल यहाँ राह पर, देख सकते हैं पूरा राम जी का, राम भगवान का पूरा बना हुआ है स्थिति के रूप में, देख सकते हैं बहुत सुंदर नक्काशी हुआ है। और ऊपर है दोस्तों गार्डन टाइप कुछ बना हुआ है राम जी का, बहुत बड़ा विशाल मूर्ति है। चलते हैं ऊपर, अगर रास्ता खुला हो तो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कुछ झलक इनके, यहाँ पर देख सकते तो श्री राम वाटिका। चलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं फाइबर के नक्काशी, चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों गार्डन जैसा बना हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं ये देखो बहुत सुंदर बना हुआ व्यू ऐसा। दोस्तों रायपुर के चंदखोरी में भी, वहाँ भी हम बहुत जल्द जाने वाले, बस थोड़ा से माता कौशल्या का बुलावा नहीं आ रहे हैं तो चलेंगे कुछ टाइम बाद। देख सकते हैं बहुत प्यारा बना हुआ है व्यू, देख सकते हैं इस पर लाइट जलने के बाद एक नंबर लग रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। और जाइंट राम जी का मूर्ति है दिखाते हैं, देख सकते हैं दोस्तों बहुत पूरा जबरदस्त बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये देखो दोस्तों गार्डन जैसा बना हुआ है, बहुत अच्छा शिल्पकारी हुआ है, देखते हैं। और ये कुछ बना हुआ है शायद वाटरफॉल जैसा फ्लो होता होगा, अगर होता नहीं होता होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होता हुआ तो फिर भी लाइटिंग सो बहुत जबरदस्त। यहाँ पर देख सकते हो गार्डन क्यारी बना हुआ खंड में बटा हुआ है। और यहाँ से एक बार व्यू भी देख सकते हो मंदिर एवं उनका क्या बोलते हैं लक्ष्मण झूला का। और आपको दोस्तों हम कराते हैं प्रभु श्री राम का दर्शन, देख सकते हो गाइस प्रभु श्री राम का दर्शन करिए, बहुत प्यारे बने हुए हैं। चल पास में चल कर दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर एक ये भी चलते हैं आगे, गार्डन में बना हुआ देखो, देख सकते हैं इस यहाँ पर बहुत प्यारा जूता चप्पल पहन कर ऊपर न चढ़े ऐसा कुछ का, देख सकते हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करिए आप, बहुत ज़बरदस्त पत्थर में नक्काशी करके बना हुआ है। जय श्री राम।